ऐसा कभी नहीं होगा कुसुम, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ओके बाबा, आपका काम हो जाएगा। एक एक लग चुन चुन कर भेजूंगी, मेरा आदमी शाम को तुम्हारे पास आ जाएगा। और हाँ, उसे 50% एडवांस दे देना, बाकी तो हम जुबान के पक्के हैं सेठ, आपका काम हो जाएगा। ऐसे क्यों देख रही हो मालकिन? समझ गया, सब समझ गया मैं। आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि मैं जब से यहाँ आया हूँ इन हरे भरे कपड़ों में क्यों रहता हूँ। अरे भोंक ना, तेरा प्यार से मालकिन, प्यार से पूछो। अच्छा चल बता। वो क्या है ना, किसी को देखकर मेरा मन हरा भरा हो जाता है, और उस मन की हरियाली को बाहर दिखाने के लिए ये हरे भरे कपड़े पहन लेता हूँ। मर्जी है किसी की समझ में आए या ना आए। आइए आइए भानु सेठ, विराजिए। अरे देख नहीं रहा है, भानु सेठ आए, जा कुछ ठंडा मंडा ले गया। बताइए सेठ, हमें कैसे याद किया? एक जरूरी काम खींच लाया। वैसे भी तुमने एक दिन कहा था ना कि पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे पैसा तो हमारा दीन ईमान है। तो बस एक आदमी को रास्ते से हटाना है। इस काम में तो तुम खुद ही माहिर हो। तुम्हारे गुंडे तुम्हें छोड़कर भाग गए, या फिर तुम हथियार चलाना भूल गए? मामला धर्म और लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हमसे क्या चाहते हो? उसके दामन पर एक ऐसा दाग जिसे धोने के लिए लोगों के जूते और चप्पलें भी कम पड़ जाए। नाम बोलो सेठ। मंदिर का पुजारी शिवनाथ। शिवनाथ पुजारी जी? अरे उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोई सवाल नहीं, कीमत बोलो। 1 लाख? 2 लाख? काम थोड़ा टेढ़ा है सेठ। 3 लाख? 4 लाख? डन। ये लो, गिन लो, पूरे 1 लाख हैं। बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद। और हाँ, ख्याल रहे, कहीं पर भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारी याददाश्त के लिए हम एक बात याद दिला दें, ना तो हमारे पाले हुए गुंडे हमारा साथ छोड़कर कहीं गए हैं, और ना हम हथियार चलाना भूले हैं। काम जरूरी है, जल्दी हो जाना है। बिल्कुल चिंता न करें पुजारी जी, पूरा का पूरा गांव आपके साथ है। जैन समाज तो क्या, गांव के अन्य लोग भी यही चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। आपने प्रधान जी से बात की, उन्होंने क्या कहा? हाँ पुजारी जी, उन्होंने कल कुछ जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा कर उनसे बात कर ली है, और रोड़ी बदरपुर और भट्टे के मालिक को फोन भी कर दिया है, और तो और 10 मजदूर दिन रात काम करने को तैयार भी हो गए हैं पुजारी जी। ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रभु इसी तरह से कृपा बनाए रखे। पुजारी जी, पुजारी जी। अच्छा पुजारी जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र पुजारी जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पुजारी जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। पुजारी जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए। क्या हुआ है इसे? पता नहीं पुजारी जी, बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। घर का सारा सामान तोड़ दिया, ना कुछ खाती है और ना कुछ पीती है।
मुझे तो लगता है इस पर किसी ऊपरी हवा का साया है, कई भक्तों और सायानों को दिखाया। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के शरीर पर किसी जिन्नात का साया है, उसे भगाना उनके बस में नहीं। अब आप भी कुछ कीजिए पुजारी जी, बड़ी आस लेकर मैं आपके पास आई। आओ बेटी बैठो। मैं कोई भक्त या सयाना तो नहीं, अपने प्रभु का भक्त, उनकी सेवा करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसकी ताकत के सामने कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती। कल सवेरे इसे आरती में अवश्य लाना, ये अवश्य ही ठीक हो जाएगी। पर पुजारी जी, अभी तो कुछ कीजिए। रात भर मैंने इस पर अपना हाथ रख दिया है, आज की रात कोई भी खाक या पला इसको परेशान नहीं करेगी। आपका हाथी तो हम रखवाने यहाँ आए थे पुजारी जी, अब देखते हैं कि कल क्या चमत्कार होगा। आओ बेटी आओ। अच्छा पुजारी जी, ये तो क्या कह रही हो? एक शरीफ नेक इंसान पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है प्रधान जी, पर अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचकर चली जाती है। जिसे तुम शराफत का मसीहा समझते हो, उसकी करतूत मैं तुम्हें बताती हूँ। वो भगवान का पुजारी नहीं, वो वासना का पुजारी है, वासना का। देखो क्या हाल कर दिया उस वैश्य दरिंदे ने मेरी बेटी का। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचती तो मेरी बेटी की इज्जत को तार तार कर देता। लेकिन तुम वहां करने क्या गई थी? उसी दिन को तो कोस रही हूँ प्रधान जी। कुछ दिनों से मेरी बेटी बीमार चल रही है, झाड़ फूंक करने के बहाने उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। क्यों भीखू भैया, आप ही बताइए ना इन्हें। हाँ प्रधान जी, हम उस वक्त वहीं थे जब ये दोनों माँ बेटी वहाँ आई थी, उसके बाद क्या हुआ ये हम नहीं जानते। उस पाखंडी ने मुझे पूजा का सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया और उसके बाद लड़की तुम बताओ, जो तुम्हारी माँ कह रही है क्या वो सच है? सुन लिया प्रधान जी, क्या आप अभी चाहते हैं वो पखंडी उस मंदिर में रहे? हम सब आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं प्रधान जी, अगर अभी आपने कुछ नहीं किया तो मजबूरन हमें उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। नहीं, इसका फैसला हम खुद करेंगे। अगर उस पुजारी ने वाकई ये घिनौना अपराध किया है तो हम उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह कांप उठेगी। चलो भाइयों।